नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, त्वचा की क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको गोरा होना है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो गोरा होने से है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हमारी स्किन बचपन में तो बहुत गोरी थी, हम बहुत स्मार्ट दिखते थे या फिर लड़कियाँ ब्यूटीफुल दिखती थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ काम वगैरह करना, बाहर जाना, इन सारी वजहों से, पोल्यूशन की वजह से स्किन जो है वो डार्क होती जा रही है, यानी कि हमारा कलर जो है वो गोरा ना रह करके सांवला होता जाता है या ब्लैक होता जाता है, जो हमें रास नहीं आता है दोस्तों। तो आज हमारा ये व्यू जो है वो इसी से रिलेटेड है दोस्तों, कि हम कैसे अपनी त्वचा को गोरा और चमकदार बनाए रखें दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों वो है क्लींजिंग। त्वचा की क्लींजिंग में साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन जो है वो ड्राई करता है दोस्तों। कोई भी साबुन आप यूज करते हैं तो वो स्किन को ड्राई करता है। और इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो फिर हाथों में साबुन लगा करके आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मॉइस्चराइज़र देना पड़ता है फेस को, तभी वो सही रह पाता है। और अगर आपका फेस ड्राई है तब तो बिल्कुल नहीं यूज़ करें। हाँ, कुछ साबुन ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं, तो आप क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन साबुन से क्लीनिंग ना करें फेस की तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि स्किन हेल्दी रहेगी आपकी। उसकी जगह तो करें क्या, किससे सफाई करें, तो इसके लिए आप दही या फिर नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा की नमी का इसके बाद आपको ख्याल रखना होता है। क्लींजिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है त्वचा की नमी। जी हाँ दोस्तों, त्वचा में अगर नमी नहीं रहेगी, वो शुष्क रहेगी, तो फिर वो रिजल्ट यानी कि वो चमक उसमें नहीं रहेगी, वो मरी मरी सी दिखेगी। इसलिए त्वचा में नमी बनाए रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके बाद प्रोसेस आता है मॉइस्चराइजिंग का। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि वो नमी आपने एक बार तो दे दी, लेकिन वो बरकरार रखना है आपको उसको। सूखी त्वचा हो अगर आपकी, तो ज़्यादा गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज करना चाहिए। और हम आज ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बताएंगे दोस्तों अपने व्यू में, जो कि देशी हो, घरेलू हो। बाहर की आप अगर बाहरी क्रीम लगाते हैं तो आपकी त्वचा में प्रॉब्लम होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। बहुत सारे लोगों को सूट करती हैं, बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती हैं दोस्तों। तो हम नेचुरल चीज़ों से बताएंगे। क्लींजिंग किससे करें आप? नींबू से। जी हाँ दोस्तों, नींबू से सबसे बेहतर क्लींजिंग होती है। हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, जितनी भी मैल होती है फेस पे वो ख़त्म हो जाती है। नींबू में जो खट्टापन होता है, उससे क्या होता है कि हमारे फेस पे जितनी भी या स्किन पे जितनी भी गंदगी होगी वो कट जाती है, वो हट जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले क्लीन हो जाता है हमारा फेस। इसके बाद नंबर आता है कि आप बादाम और शहद का पेस्ट बना लीजिए। बादाम में होती है नमी यानी कि ऑयली, और शहद उसमें आपकी नमी को ज़्यादा देर तक बरकरार रखने के लिए होता है। अब इस पेस्ट को फेस पर लगा लीजिए, सूखने दीजिए। जब ये आधे घंटे बाद सूख जाए तो इसको ठंडे पानी से धो लीजिए, फिर कोई भी हल्की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये अगर आप ये प्रयोग दिन में दो बार करते हैं रेगुलर दोस्तों, तो आपकी स्किन जो ब्लैक होती जा रही है वो सही हो जाएगी, टैनिंग दूर हो जाएगी और आप गोरे दिखने लगेंगे या दिखने लगेंगे। इसके लिए और भी औषधियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि आप एक चम्मच दूध ले लीजिए, एक चम्मच नींबू का रस ले लीजिए, एक चम्मच शहद ले लीजिए और एक चम्मच बादाम ऑयल ले लीजिए। इन चारों को बहुत अच्छे ढंग से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद अपने फेस पर लगा लीजिए। इसको फेस पर लगाने के बाद आपको आधे घंटे तक छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए फेस पे, तब आपको ठंडे पानी से यानी से या गुनगुने पानी, हल्के गुनगुने पानी से, जो आपके फेस को सूट करे वैसे पानी से आपको नॉर्मली धो लेना है। इसके बाद देखेंगे आप कि आपकी स्किन जो है वो गोरी होने लगी, क्योंकि जब इसको प्रॉपर यानी कि पहले क्लींजिंग हो जाएगी नींबू से और फिर इसके बाद ये चीज़ें मिलेंगी, मॉइस्चराइजिंग मिलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि खिली खिली त्वचा दिखेगी दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए दोस्तों। चिपके हुए वस्त्र ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम चिपके हुए वस्त्र पहनते हैं तो हमारा रक्त स्त्राव जो है बॉडी में वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, और जब रक्त स्त्राव सही से नहीं होगा हमारी बॉडी में तो प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर वो स्किन डार्क होने लगती है, क्योंकि रक्त सही से पहुँच नहीं पाता है वहाँ तक, तो स्किन डार्क होने लगती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चिपके हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिप्स भी ब्लैक होते हैं और इसके साथ साथ हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, हमारा रंग भी काला होने लगता है। चिंता, हालांकि ये तो ऐसी चीज़ है कि कहेंगे कि कैसे छोड़ें, लेकिन
चिंता से जितनी ज़्यादा मुक्त रहें, जितना ज़्यादा दोस्तों में घुलें मिलें खेलें मस्त व्यस्त लाइफ रखें उतना ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। और नियमित व्यायाम करें, क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और हम जब वर्क कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में सांस लेने की प्रक्रिया उस टाइम पे तीव्र हो जाती है, यानी कि बॉडी के हर पार्ट तक इजीली ब्लड, और जहाँ नहीं पहुँच रहा हो वहाँ भी ब्लड पहुँच जाता है दोस्तों। यानी कि जहाँ पहुँचना चाहिए किसी कारण बस ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो वो भी ब्लड का इतना दबाव बढ़ जाता है जब हम तेज़ी से वर्क करते हैं तो, कि वो हर जगह तक पहुँच जाता है, यानी कि सफाई कर देता है ब्लड नलियों का, और इसके साथ साथ हर जगह पे ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाइड रहता है और हमारी त्वचा ग्लोइंग रहती है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों गोरा होने के लिए टमाटर और जई का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एक और नुस्खा है दोस्तों कि टमाटर में, यानी कि टमाटर का जूस निकाल लीजिए और जई पीस करके, जी हाँ दोस्तों जई पीस करके उसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और फिर फेस पे लगा करके सो जाइए, या फिर आधे घंटे घूम लीजिए, कुछ भी कीजिए आधे घंटे तक। हाँ ध्यान रखिए कि धूप में नहीं सुखाना है, आपको छाया में ही सुखाना है। जितनी भी चीज़ें हमने बताया, सूख जाने के बाद इसको अच्छे से धो लीजिए, आपका फेस बिल्कुल साफ हो जाएगा दोस्तों, रंग गोरा होने लगेगा। अब नींबू और दूध का मिश्रण, जी हाँ दोस्तों नींबू और दूध का मिश्रण ऐसा होता है दोस्तों जो दाग धब्बों को हटाता है फेस से और उसका रंग भी निखारता है दोस्तों। इसके लिए करना क्या होगा आपको कि दूध और नींबू को मिक्स कर लीजिए और इसमें आटा मिक्स कर लीजिए। आटा क्यों मिक्स करना है? क्योंकि इस पेस्ट को वो गाढ़ा बनाएगा। पेस्ट जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो फेस पे टिका रहेगा और उसकी नमी ज़्यादा देर तक रहेगी। फिर उसको सूखने दीजिए, तभी वो त्वचा को उतनी ज़्यादा नमी दे पाएगा। नहीं तो आप अगर मान लीजिए बहुत पतला पेस्ट लगा लिए तो वो तो थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ त्वचा को। इसलिए गाढ़ा पेस्ट बनाना होता है और कुछ देर तक रहने देना होता है ताकि वो अच्छे से सूख ले, त्वचा में नमी दे पाए और गंदगी को बाहर निकाल ले साथ साथ दोस्तों। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देनी होती है कि आँखों के आसपास ना लगाएं, क्योंकि आँखों में जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, इसीलिए आँखों के आसपास ना लगाएं। दही और संतरे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से संतरे के जूस में हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। हल्दी मिक्स किया आपने संतरे के जूस में और फेस पर लगा लिया, और अच्छे से लगा करके सब में यही करना है आपको कि सूखने देना है। जब ये सूख जाए अच्छे से तब इसको आपको धो लेना है। इससे आपका रंग बहुत जल्दी गोरा दिखने लगेगा दोस्तों, और हम जब गोरा दिखते हैं अंदर से हमारी स्किन हेल्दी होती है, ग्लोइंग होती है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं दोस्तों। हमारा कलर डार्क रहता है तो हम किसी, चाहे इंटरव्यू में जा रहे हो, हमारे इंटरनली मन में कहीं ना कहीं ये बातें घर कर जाती हैं और हम उस बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत बेहतर नहीं रह पाता है दोस्तों। तो अगर आपको गोरा होना है तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों, आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग दिखेगी दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।